रामचरितमानस पर टिप्पणी के कारण प्रोफेसर चंद्रशेखर आ गए मीडिया के निशाने पर। कौन नहीं जानता कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गालीबाज पदाधिकारी रहे हैं। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। जब उन्हें शिक्षा विभाग मिला तब भी मीडिया में उनके पुराने कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें वह न केवल बिहारियों के प्रति अपमानजनक बातें कर रहे हैं बल्कि कई जगह तो पत्रकारों से उलझते दिखे। लेकिन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव के पीत पत्र से समाज के एक वर्ग के अलावा मीडिया के बड़े तबके को ऐसी मिर्ची लगी कि वह के पाठक की सारी खामियां भूलकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटाने की मुहिम पर लग गया। जिस ढंग से प्रत्येक दिन चंद्रशेखर के इस्तीफे और महागठबंधन सरकार के गिरने की खबरें प्रचारित की गई उससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि यह कुछ नहीं केवल चंद्रशेखर को सत्ता से बेदखल करने का खेल है। ऐसा क्यों है कि सदा के पाठक की आलोचना करने वाले समाज का एक वर्ग और मीडिया के बड़े वर्ग को अब उनमें सद्गुण ही दिख रहा है और चंद्रशेखर में अवगुण दिख रहा है। कई जगह तो साफ कहा गया कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर शिक्षा मंत्री की टिप्पणी से मुख्यमंत्री भी नाराज हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उस समय भी मीडिया के लोग चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए एरी चोटी का जोर लगाए हुए थे। मुख्यमंत्री अगर नाराज होते तो चंद्रशेखर कब का पैदल हो गए होते। मुख्यमंत्री तो पूरी सरकार का मालिक होता है, उसके अधीन उनके मंत्री अलग अलग विभागों के मालिक होते हैं। विभागों में कार्यरत पदाधिकारी अपने मंत्री के अधीन ही काम करते हैं। इसके बावजूद यदि कोई पदाधिकारी मंत्री को नजरअंदाज करने का काम करता है तो वह संविधान और स्थापित परंपराओं का उल्लंघन माना जाता है। यह बात तो सब समझते हैं। वैसे भी पटना में बैठे तो बड़े बड़े पत्रकार विद्वान भी हैं और उड़ती चिड़िया का भी पहचानते हैं। इसके बावजूद उन्हें एक आईएएस पदाधिकारी के पत्र में कोई खामी नजर नहीं आई, जबकि सर्वविदित है कि कोई भी पीएचडी की योग्यता रखने वाला व्यक्ति खुद को डॉक्टर लिखता है और इसका उसे अधिकार भी है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने के लिए उसे किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन के पाठक के आदेश से जारी निदेशक प्रशासन के डॉक्टर कृष्णानंद यादव को लिखे पत्र में यह खामी किसी पत्रकार को या फिर चंद्रशेखर का विरोध करने वाले विद्वानों को दिखाई नहीं पड़ी। इसे ही पूर्वाग्रह से ग्रसित कहा जाता है। उन्हें तो चंद्रशेखर का विरोध करना था तो आज उन्हें के पाठक भी अच्छे नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि जो वर्ग आज चंद्रशेखर का विरोध कर रहा है वह उसी समय से ताक में बैठा हुआ था जब चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करके बिहार ही नहीं संपूर्ण देश में दलित पिछड़े अति पिछड़े और महिलाओं के मान सम्मान की जंग छेड़ दी थी। उसी तबके को आज चंद्रशेखर में कीड़े दिखाई देते हैं और के पाठक उन्हें सुहाने लगे हैं।